तो डिजिटल प्रचार में मिलकर फिक्स कर दो दो करने से हो जाएगा मीडिया वीडियो ले रहा है ना आइए ले रहा है वन टू अभी अभी हमारा जो सियांग रिवर फेस्टिवल का वेबसाइट लॉन्च हो गया तो ये पब्लिक का काफ़ी एक्सपेक्टेशन था क्योंकि हमारा पास सब कुछ है, हमारा पास नदी है, पहाड़ है, लेकिन ये एक्टिवेशन में नहीं आया। तो हमारा जो एवीके यूथ विंग हमारा इंजीनियर है ओकिदाय और उसके साथ है हमारा अपक प्रतिन उसका टीम और हमारा ये डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर, मैं थैंक देना चाहूँगा कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लाया स्पेशली फॉर यंग जनरेशन, सिर्फ ईस्ट सियांग का नहीं, सिर्फ हमारा स्टेट का नहीं लेकिन पूरा नेशन के लिए, कि इसको एक्टिवेशन करने से जैसे माइटी सियांग रिवर स्टार्ट फ्रॉम हमारा नेबरिंग कंट्री, वहाँ से जो ये नदी को सांगपो का नाम में जाना जाता है या हमारा अरुणाचल में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र, इट्स अ माइटी रिवर। इसको हम लोग अभी जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमारा रिवर राफ्टिंग हो गया, काफ़ी चीज़ हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। यह हमारा यहाँ में प्लेन लैंड है, जेंटल स्लोप है, साइकिलिंग के लिए भी ग्लाइडिंग पैरा ग्लाइडिंग है, तो इसको एक्टिवेशन में लाना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट का तो काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहा है टूरिज़्म को, कैसे टूरिज़्म आगे बढ़ना चाहिए। हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का नेतृत्व में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ लेजन करते हुए जैसे रोड का भी इस बार आप लोग भी सुना होगा बॉर्डर एरिया में, जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में भी काफ़ी रोड सेक्टर दिया है, तो ये भी कनेक्टेड टू टूरिज़्म। काफ़ी अच्छा जगह है लेकिन जहाँ में हमारा सड़क नहीं पहुँच रहा है, लेकिन पासीघाट ऐसा जगह सेंट्रली लोकेटेड स्पेशली फॉर ईस्टर्न अरुणाचल के लिए, तो हमारा तो ये पूरा उम्मीद है। हमारा जो एवीके यूथ विंग ने अभी ये सियांग रिवर फेस्टिवल, ये एक्चुअली ऑर्गेनाइज एक सोसाइटी है, तो इसको एक्टिवेशन में लाना चाहिए और ये टूरिज़्म के लिए स्पेशली फॉर ये रिवर राफ्टिंग वाला जो एंगलिंग वाला है, तो जो इंटरेस्ट है। और हमारा यहाँ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इसी रिवर में है, सियांग रिवर में जो डियरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें हमारा वहाँ में ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका है जैसे वाइल्ड बफेलोस अभी भी है और सर्टेन बर्ड्स है और वाइल्ड डक है जो अभी भी वो रिवर में है। तो इसको प्रमोट करना है और हमको टूरिज़्म सेक्टर में ही आकर इसको हम लोग आगे बढ़ाना है, ये हमारा एक विचार है। और हम विश करता है कि ऑर्गेनाइजिंग कमिटी को कि अच्छा ढंग से ये फेस्टिवल को करे और जो हमारा काफ़ी रिनाउंड सिंगर लोग भी आ रहा है तो उसको भी अच्छा से प्रमोट करे, तो आने वाला दिन हमारा लिए एक सुविधा रहे। एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों का यहाँ में सपोर्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का हॉस्पिटेलिटी, यहाँ जितना भी यूथ है जितना विजिटर्स है हॉस्पिटेलिटी आप लोग अच्छा से देना है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट तो मेन लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं होना है क्योंकि इसको हम लोग स्ट्रिक्टली देखेंगे, क्योंकि आप फेस्टिवल ज़रूर कीजिए लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी लड़का लोग भी ऐसे ज़्यादा फुर्ती होके लड़ाई झगड़ा होके दैट क्रिएट्स अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, तो बिल्कुल ये सब चीज़ होना नहीं चाहिए। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कोऑपरेशन देंगे जितना भी है, और टूरिज़्म को प्रमोशन करना ये सबका है, और दिस इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ कि स्टार्टअप जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बोलता है ना, देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहीं भी होने से ये एक टूरिज़्म इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, कि इसका इतना ट्रिलियन माने $8 trillion का
बिजनेस रन करता है, दैट इज़ नॉट इमेजिनेबल। अभी इंडिया का इकोनॉमी भी पूरा इतना तक पहुँचा नहीं है, तो इतना ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है ये, तो हम इसका इतना अच्छा पोटेंशियल है। हमारा ब्रह्मपुत्र माने सियांग रिवर यहाँ होता है, नीचे में ब्रह्मपुत्र, ऊपर में सांगफो बोलता है, तो दिस हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो हम लोग प्रमोशन करना है, और हमारा हॉस्पिटल अच्छा होने से टूरिस्ट तो ज़रूर आएंगे। थैंक यू।